मैं वापस रोइंग टाउन आ गया। अभी मैं अपना फ़ोन कैमरा से शूट कर रहा हूँ। तो गाइस ये है रोइंग टाउन और ये है वो होटल जिसमें मैं रह रहा हूँ। नाम है होटल मीमू। तो अभी मैं रूम जा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा। अभी ब्रेकफास्ट किया था मैं, उसके बाद आराम से निकलेंगे घर के लिए गाइस। तो ये रहा मेरा रोइंग का एक दिन का घर। सो दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक गाइस। ये एक सिंगल बेडेड रूम है और इधर एक टेबल रखा गया है, एक चेयर भी है और टीवी भी है यहाँ पे, और इधर एक आईना रखा है, और ये है वॉशरूम। सो इसका मुझे पड़ा है 900 रुपीज़। इससे भी सस्ता वाला था 500 रुपीज़ का, लेकिन वो मुझे नहीं मिला क्योंकि वो सब रूम ऑक्यूपाइड था। अदरवाइज मैं वही ले लेता क्योंकि बस मुझे सोना ही तो था। सो गाइस अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। 2 hours later लाइट ऑफ कर देता हूँ। कुछ चोरा तो नहीं? ओ दादा उलाइस रे, ताते आसे रे चाबी ताला। थैंक यू। बसंती धूप सेक के पूरा गर्म हो गया होगा। आप अभी आप लोगों को गाइस दिखाता हूँ ये रोइंग टाउन। ये है लोअर मार्केट। मेन बाज़ार जो गए दूसरा तरफ रह गया है, मैं यू टर्न लेता हूँ। दिस इज द लोअर मार्केट। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपर मार्केट की तरफ। तो ये था मेरा होटल जहाँ हम रुका था।
सो गाइस दैट्स इट, हमने रोइंग टाउन एरिया कवर कर लिया। नाउ आई विल बी हेडिंग बैक टुवर्ड्स पासीघाट। तो इस वीडियो में हमने आप लोग को रोइंग टाउन कैसा है वो दिखाया। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का सबसे लास्ट एक मेजर टाउन है। ये अरुणाचल प्रदेश का लोअर दिबांग वैली का हेडक्वार्टर है। सो गाइस यहाँ से पासीघाट तक का भी मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा। सो इसे ट्यून टू द चैनल। ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टू यू गाइस। सो मिलते हैं मेरा अगले ब्लॉग में।